मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। हमारे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि और देशों में भी चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था। वह बच्चों से काफ़ी उनको प्यार और लगाव था, तो इसी के कारण इस दिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए या मजबूत होने के लिए उस राष्ट्र के बच्चों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितना उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक या पॉजिटिव थिंकिंग होगी, वह बच्चे उस देश को मजबूत बनाने के लिए अपना काम करेंगे। क्योंकि देश का जो कल है उन्हीं बच्चों के हाथ में है, जो आज हम लोग के सामने है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स के रूप में वह राष्ट्र की सेवा करेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, इंजीनियर के रूप में वह राष्ट्र की सेवा करेंगे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, जैसे IAS PCS, उस फॉर्म में वह देश की सेवा करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, आज हमारे देश के बच्चों को एक उचित डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, एक उचित रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, जिससे उस रास्ते पर वह चल कर अपनी एनर्जी का एक भरपूर उपयोग करके इस राष्ट्र को मजबूत कर सकें, इस समाज को मजबूत कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो कहने का क्या तात्पर्य मेरा है कि इस किसी भी राष्ट्र के मजबूत होने के लिए उसके नींव की जो सबसे मजबूत ईंट होती है वह बच्चे होते हैं। अगर बच्चे मजबूत, अगर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे, तो किसी भी राष्ट्र का मजबूत होना संभव नहीं है। तो राष्ट्र या हमारा देश भारत को मजबूत होने के लिए हम सभी बच्चों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपने एनर्जी को एक उचित डायरेक्शन में ले जाएं, अपनी एनर्जी को अपने पढ़ाई में या राष्ट्र के निर्माण में खर्च करें, जिससे हमारा देश मजबूत हो सके, आप मजबूत हो सके, हमारा समाज मजबूत हो सके। इन्हीं बातों से मैं बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देना चाहता हूँ। बाल दिवस के दिन आप लोग उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।